तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं काउंटर स्ट्राइक कंडीशन जीरो। तो इस गेम में बेसिकली है क्या कि इस पूरे गेम में अलग अलग तरह के मैप होंगे और उस अलग अलग तरह के मैप में टोटल दो टीम्स होंगी। पहले टीम का नाम है काउंटर टेररिस्ट और दूसरे टीम का नाम है टेररिस्ट। और हम लोग इस पूरे गेम में होने वाले हैं काउंटर टेररिस्ट और हम लोग सारे टेररिस्ट को मार के उस पूरे मैप को सिक्योर करेंगे, क्योंकि टेररिस्ट जो हैं वो ए या बी कोई भी एरिया में जाके बम प्लांट कर देंगे और हम लोगों को उस बम को डिफ्यूज़ करके सारे टेररिस्ट को मार के उस पूरे मैप को सिक्योर करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइज, यहाँ पे अपना जो गेम है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपना न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ और ये यहाँ पे हो चुका है। और इस प्रोफाइल की जो डिफ़िकल्टी हम लोग नॉर्मल रखते हैं, ना ज़्यादा हार्ड ना ईजी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कितने ढेर सारे मैप हैं और हम लोग सारे मैप ट्राई करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज हम लोग खेलने वाले हैं डस्ट मैप। और यहाँ पे पहले मैं अपने मेरे पास टोटल 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे मैं कोई भी 1-1 पॉइंट के 2 प्लेयर ले सकता हूँ। तो मैं इसको और इसको ले लेते हैं और ये जो मैच है इसको स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पूरे मैच में हम लोग के पास चैलेंज है, तो ये सब चैलेंज को हम लोगों को कंप्लीट भी करना होगा। तो ये मैच को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपने लिए गन ले लेता हूँ और उसकी जो एमओ है वो ले लेते हैं और एक आर्मर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे टीममेट्स भी हैं। तो अब इसको हम लोग जल्दी से चलते हैं आगे और सारे टेररिस्ट को मार के सुला देते हैं। तो यहाँ पे इस साइड में तो कोई भी टेररिस्ट हम लोग को नहीं दिख रहा है, बट आगे के साइड में होगा और इस साइड में कोई ना होगा। ओके, सामने 2 बंदे हैं और यहाँ पे मेरा टीममेट मेरे मुंह के सामने भाई ग्रेनेड फेंक रहा है, पता नहीं बट हो। और यहाँ पे वो जो बंदा है वो आगे जाके बैठ चुका है। और यहाँ पे इतनी जल्दी हम लोग राउंड 1 जीत चुके हैं सारे टेररिस्ट को मार के। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो 2 चैलेंज है वो कम्प्लीट हो चुका है। बस हम लोग अपने 2nd राउंड में चलते हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी गन हम लोग को परचेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास जो गन है वो बेस्ट है और इसमें एमओ भी है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं किस साइड से एनिमी आने वाले हैं। तो आगे के साइड चलते हैं जंप करके। और यहाँ पे पिछली बार हम लोग उस साइड से गए थे, बट मुझे उस साइड नहीं लग रहा है कि इस बार भी बंदे आने वाले हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसी साइड से बंदे आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्राउच होकर देखता हूँ, तो आगे के साइड तो कोई बंदा ही नहीं दिख रहा। अभी तक तो सारे बंदे आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे कोई बंदा नहीं दिख रहा। तो मुझे क्यों लग रहा है कि हम लोग गलत जगह पे खड़े हैं। मैं आगे जाऊँ कि ना जाऊँ, सीधे भाई तीनों बंदे आ जाते हैं तो मेरी तो बैंड बज जाएगी, इसलिए मैं आगे जल्दी से नहीं जा रहा हूँ। और सामने के साइड तो भाई मेरा ही टीममेट है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इस साइड में कोई बंदा है। ओके गाइस, भाई सामने एक बंदा हम लोग के टीममेट का आउट हो चुका है। सामने एक टेररिस्ट है, इसके पहले अच्छे से बैंड बजाते हैं और इसको आउट करके इसके 2 टीममेट को और मार के इस पूरे राउंड को जीतते हैं। और सामने हम लोग का पहले एक टीममेट था। ओके, यहाँ पे हम लोग का पहला टीममेट आउट हो चुका है। और यहाँ पे मां जो दूसरा टीममेट है वो आगे के साइड जा रहा है। मुझे क्यों लग रहा है कि जो 2 टेररिस्ट इस पूरे मैच में बचे हुए हैं वो जाके बम प्लांट कर रहे होंगे। तो हम लोग पैर चलते हैं आगे और देखते हैं कि ए वाले एरिया में तो कोई भी टेररिस्ट नहीं है। आगे चल के देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है क्राउच करके और इसी के पास जो है बम है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोगों को जो लास्ट टेररिस्ट है इस पूरे मैच में उसको ढूंढने की बारी है। और बम तो अभी इसी साइड में है, तो अभी कोई बम प्लांट नहीं कर सकता। और मुझे जहाँ तक लग रहा है हम लोग का जो हम लोगों का टीममेट था भाई वो कहाँ चला गया भाई, वो भी आउट नहीं हो गया ना। ओके, इस साइड में तो नहीं है। और ओके गाइस, यहाँ पे मां जो लास्ट टीममेट था वो भी यहाँ पे आउट हो चुका है। तो मुझे क्यों लग रहा है जो टेररिस्ट है वो जाके बम प्लांट कर रहा होगा। और यहाँ पे वो बम प्लांट कर चुका है, ये रहा वो लास्ट एनिमी। और इसको मैं पहले आउट डाउन करता हूँ। और यहाँ पे ये जो बम है जल्दी से इसको डिफ्यूज़ करते हैं, उसके बाद ये राउंड भी जीत जाए भाई। अभी तो ये बम नहीं ब्लास्ट होने वाला, क्योंकि अभी जस्ट ये प्लांट हुआ है। और यहाँ पे ये जो बम है इसको मैंने डिफ्यूज़ कर दिया है और ये राउंड भी हम लोग जीत चुके हैं। और हमारे जो सारे चैलेंज भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 3rd राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपनी एक स्नाइपर गन लेके इसकी एमो ले। तो ओके गाइस, यहाँ पे हमारा जो राउंड 3 है वो स्टार्ट हो चुका है। और राउंड 3 में मैंने अपना एक फेवरेट स्नाइपर परचेस किया है। और यहाँ पे बस इसमें एक ही दिक्कत है कि ये क्लोज रेंज से थोड़ी दिक्कत होती है चलने के लिए, और लॉन्ग रेंज में तो भाई इतनी अच्छी चलती है कि पूछो मत। तो एक चीज़ है मेरे पास एक पिस्टल है क्लोज रेंज के लिए। और सामने एक बंदा आ गया। ओ
भाई ये ऑटो गन लेके इतनी गंदी सब बजा दी, और मेरे पास तो बस एक पिस्तौल थी क्लोज रेंज के लिए। लॉन्ग रेंज के लिए मैंने लेके चल रहा था भाई अपने पास स्नाइपर, बट वो तो कोई भी काम नहीं आई। और यहाँ पे मेरा एक और टीममेट आउट हो चुका है। मुझे क्यों लग रहा है ये मैच जीतना हम लोग के थोड़ा हार्ड हो सकता है। और यहाँ पे अपने पास दो पॉइंट हो चुके हैं, काउंटर टेररिस्ट के दो पॉइंट हैं और टेरिस का एक भी पॉइंट नहीं है। और टेरिस ने भाई यहाँ पे पूरे मैच में बम भी प्लांट कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग का एक जो एक टीममेट है वो यहाँ पे है और ये भी आउट हो चुका है। और टेररिस्ट ये जो राउंड है वो जीत चुकी है, बट कोई बात नहीं क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है एक या दो राउंड और जीतने के बाद मैं ये पूरा मैच ही जीत जाऊँगा। यहाँ पे अपने एक ऑटो गन अपने पास रखते हैं क्योंकि इस बार टेररिस्ट नहीं बचने वाला। बट यहाँ पे मैं आर्मर लेना भूल गया, पहले आर्मर भी ले लेते हैं और चलते हैं आगे। और इस बार तो भाई टेररिस्ट नहीं बचने वाले, पिछली बार तो यहीं से आए थे तो इस बार भी मुझे जहाँ तक लग रहा है इस साइड होंगे या दो टेररिस्ट। बट यहाँ पे घंटा कोई नहीं है, बट कोई बात नहीं हम लोग आगे चलते हैं। और इस साइड से तो नहीं चाहिए, ये दो ही रास्ता है टेररिस्ट के आने का। और इस साइड से भी कोई बंदा नहीं दिख रहा है तो मुझे क्यों लग रहा है कि उस साइड से ही आ रहे होंगे बंदे। और यहाँ पे बम कैसे प्लांट हो गया, हेलो मैं अभी यहीं से गया हूँ और यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट नहीं था। यहाँ पे बम भी प्लांट हो चुका है, मुझे एक ही कदम मानना होगा। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, कोई सामने की साइड है। ओके भाई इसने मुझे मार दिया यार। यहाँ पे मेरे टीममेट बाकी हैं, शायद इसको आउट करके ये बम डिफ्यूज कर सकते हैं मतलब सामने। ओके ये आउट हो चुका है, अब बस वो सामने वाले टीममेट को बस यहाँ पे बम डिफ्यूज करना है तो ये मैच भी हम लोग जीत जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मैच हम लोग आराम से जीतने वाले हैं क्योंकि ये बम यहाँ पे डिफ्यूज कर देगा। ओके ओके यहाँ पे ये बम डिफ्यूज कर चुका है और ये जो मैच है हम लोग जीत चुके हैं और इस पूरे मैप को हम लोग ने सिक्योर भी कर लिया है। तो ओके गाइज, इस पूरे मैच में जितने भी चैलेंज थे हम लोग के लिए हम लोग ने कंप्लीट तो किए, साथ ही साथ हम लोग ने इस पूरे मैच को जीता भी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग।